ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पेरेंट्स एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर वो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें अपनी इस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, तो उनका फ्री एजुकेशन, फ्री रहना खाना सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम लेके हम बच्चों को छोड़ देंगे, एग्जाम लेने के बाद बच्चों को आने वाले एक साल, दो साल, तीन साल, जिस भी क्लास में उनके हिसाब से उनको पढ़ाया जाएगा और उनको IIT मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी, जो हमारा नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। नमस्कार, मैं आलोक कुमार, आप देख रहे हैं दर्जन न्यूज़। आज हम पहुँचे हैं मेंटर्स एडुसेफ संस्थान, जहाँ IIT JEE मेडिकल के बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है, और आज हम बात करेंगे प्रबंध निदेशक डॉक्टर आनंद जायसवाल से, बच्चों के लिए वह क्या खास लाए हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका स्वागत है। HD धन्यवाद जी। सर, क्या बच्चे के लिए क्या स्कॉलरशिप जो आपने लगाया है, क्या है प्रोग्राम? देखिए, ये आज हम लोग अनाउंस कर रहे हैं बिहार झारखंड का सबसे बड़ा जो टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम है, उसके अनाउंसमेंट आज हम लोग कर रहे हैं, और ये एग्ज़ाम 20 नवंबर को होगा। हम लोग जान के पहले अनाउंसमेंट करें ताकि बच्चों को करीब 3 महीने का टाइम मिल जाए तैयारी करने का। ये बिहार झारखंड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम दो मायने में है। एक तो इसमें कंपटीशन का लेवल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, और दूसरा इसमें रिवॉर्ड जो देते हैं हम लोग स्कॉलरशिप के माध्यम से, फ्री एजुकेशन के माध्यम से, फ्री लॉजिंग फूडिंग के माध्यम से, तो ये सब आप जोड़ेंगे तो ये 28 करोड़ से ऊपर की राशि बच्चों को में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसमें स्कॉलरशिप की जो सुविधा आप दे रहे हैं, तो वो खाने पीने की जो आप राशि बता रहे हैं, तो पढ़ाई की अलग है और खाने की अलग, या फिर वो स्कॉलरशिप के फीस में इंक्लूडेड है? नहीं, जो बच्चे यहाँ पे इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो उनके रैंक के बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी और मेंटर्स में दाखिला दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम लेके हम बच्चों को छोड़ देंगे, एग्ज़ाम लेने के बाद बच्चों को आने वाले एक साल, दो साल, तीन साल, जिस भी क्लास में उनके हिसाब से उनको पढ़ाया जाएगा और उनको IIT मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी अच्छे शिक्षकों द्वारा, अच्छी किताबों के द्वारा, अच्छे टेस्ट के माध्यम से, ताकि बच्चे भविष्य में जाके IIT और मेडिकल में, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जा सकें। अगर कोई बच्चे स्कॉलरशिप के माध्यम से आते हैं आपके यहाँ और वो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, तो आपके तरफ से उनको क्या सुविधा दी जाएगी? देखिए, ये एग्ज़ाम ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पेरेंट्स एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर वो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें अपनी इस एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से, तो उनका फ्री एजुकेशन, फ्री रहना खाना सब कुछ हो जाएगा। जो बच्चे के पेरेंट अफोर्ड कर भी सकते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो अभी ये साबित कर सकते हैं कि उनमें कितना क्षमता है और वो अभी से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। मान लीजिए उनका फ्री एजुकेशन हो जाता है, फ्री रहना खाना हो जाता है, तो अभी से आत्मनिर्भर है, माता पिता से उनको पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है पढ़ाई के लिए। आपने जो ये संस्थान का जो कार्यक्रम चलाया 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, तो इसमें जो बच्चे दूर दराज से आते हैं और अगर 5वीं के बच्चे आपके यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो ऐसा कोई प्रक्रिया है कि जिला दूर से, डिस्ट्रिक्ट दूर से बच्चे आते हैं तो उनके रहने के लिए एक ही कॉम्बो जगह है, या फिर अलग से कुछ पटना झारखंड से जो बच्चे, उनके लिए अलग व्यवस्था, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हमारे सेंटर पटना में है, बोकारो में है और भागलपुर में है, तो जो बच्चे पटना के आसपास के होंगे उनको पटना में रखा जाएगा, जो भागलपुर के आसपास को भागलपुर में रखा है, झारखंड के बच्चों को बोकारो में रखा। यानी कि मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बच्चे आएंगे जहाँ हैं वहीं पे ऑन द वे ही उनको रहने की व्यवस्था, जो हमारा नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पे उनको रहने की व्यवस्था की जाएगी। IIT JEE मेडिकल आपका बहुत चर्चित रहा है, तो इसमें क्या IIT JEE के जो बच्चे हैं उनको जो आप स्कॉलरशिप देते हैं, तो वो बच्चे उसमें से क्या रैंकिंग लेके आते हैं और उनको किस तरह से आप लोग मोटिवेट करते हैं? देखिए, मैंने तो देखा है जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं और हमारे यहाँ आके पढ़ाई करते हैं, उनमें ज़्यादातर बच्चे IIT और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में चले जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई का जो प्रक्रिया होता है, हमारा टेस्ट लिया, फिर हमने उसका ट्रेनिंग स्टार्ट किया, और ट्रेनिंग रिगरस ट्रेनिंग होता है, और ये पास रिकॉर्ड रखा है कि जो बच्चे इस एग्ज़ाम में टॉप रैंक लाते हैं वो आगे जाके IIT और मेडिकल में भी टॉप रैंक ही लाते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कि जो बच्चे IIT मेडिकल जीज और स्कॉलरशिप, अगर जो बच्चे मेडिकल की परीक्षा देते हैं वो पास नहीं हो पाते और आपके यहाँ पूरा फीस दे दिए, तो क्या उसको फिर से फीस लेते हैं या उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं? देखिए, अभी तो हम इस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम में तो जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो मेधावी बच्चे ही होंगे, और उनके साथ शायद ही होता है कि वो बच्चे क्वालिफाई ना करें IIT या मेडिकल में।
आपने सुना कि सर का ये कहना है जो मेधावी छात्र हैं और स्कॉलरशिप की जो सुविधा मेंटर एडुसर में दी जा रही है काफ़ी अच्छे से, और बच्चे के रख रखाव की सुविधा, हॉस्टल में खान पान की भी सुविधा दी जा रही है। टैलेंटेड बच्चे, इनका कहना है टैलेंटेड बच्चे जो है खासकर उनको भी फोकस किया जाता है, और IIT JEE मेडिकल की यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, साथ साथ इनके यहाँ टॉपर्स बच्चे निकलती हैं। ऐसी तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए देश के साथ और देखते रहिए देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।